हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। गुजरात में भरतपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरीश नाम का एक गरीब किसान रहता था, जो सब्जियां बेचने रोज गांव से शहर जाया करता था। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है मेरी, रोज इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं रोज इतनी मेहनत ना करूं, तो फिर तो मेरे बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। हरीश के परिवार में उसकी पत्नी रजनी और एक बेटी नेहा और बेटा अनूप था। हरीश जो कमाता था उसमें उसका परिवार खुश रहता था, लेकिन एक हरीश ही था जो कभी संतुष्ट नहीं रहता था। ये भी कोई जिंदगी है, सारा दिन मेहनत और मजदूरी करते रहो, बस भगवान ने हमें कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा क्यों कहते हो जी, भगवान ने हमें इतना भरा पूरा परिवार दिया है, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए। लेकिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए परिवार के साथ धन दौलत होना भी जरूरी है रजनी। ऊपर वाले ने चाहा तो वो भी होगा हमारे पास एक दिन, न जाने कब होगा। हरीश अपनी जिंदगी से खुश नहीं रहता था, वो हमेशा अपनी गरीबी के लिए भगवान को कोसा करता था। ऐसे एक रोज तेज बारिश हो रही थी, हरीश सब्जियां बेचकर वापस गांव की तरफ लौट रहा था, तभी एक तेज रफ्तार से आते ट्रक ने हरीश को टक्कर मार दी और उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे चली गई। अब वो कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल सकता। अब हरीश हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। अब वो व्हील चेयर पर ही रहता। कुछ दिनों तक तो घर में जो पैसे थे उससे उनका गुजारा चल गया, लेकिन अब राशन खत्म होने लगा था तो रजनी को आगे की चिंता सताई जा रही थी। ऐसे ही एक रोज, मैं अपने परिवार को भूखा नहीं मार सकती, अब मुझे अपने इन गहनों को बेचना ही होगा। नहीं माँ, बाबा ने बड़ी मेहनत ये गहने आपके लिए बनाए थे, इन्हें मत बेचो ना, अगर हम कुछ काम करके पैसे कमाए तो। लेकिन क्या काम माँ, तुम खमर ढोकला बहुत अच्छा बनाती हो, जानती हो ना सब पड़ोसी क्या कहते हैं कि आपके हाथ से अच्छा खमर ढोकला उन्होंने पूरे गुजरात में नहीं खाया। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अरे हाँ, मैं जमींदार से थोड़े पैसे उधार ले आती हूँ, जब कमाई होने लगेगी तो उसका कर्ज चुका देंगे। रजनी जमींदार से कुछ पैसे उधार ले आती है और अगले दिन ही उसने बाजार में एक ठेला लगा दिया। रजनी ने खमन ढोकला बनाकर तैयार कर लिया। कुछ ही देर में खमन ढोकले की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। अरे वाह बेटा, तुम्हारे ठेले से तो ढोकले की बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्या ढोकला तैयार है। हाँ काका। ठीक है, तो मुझे एक प्लेट दे दो। रजनी प्लेट में खमन ढोकला डालकर काका को देती है। भाई वाह, क्या मजेदार ढोकला बना है। ऐसा करो, चार प्लेट पैक भी कर दो है। और कितने पैसे हुए मेरे कुल मिलाकर। भाई साहब 30 रुपए प्लेट है, तो आपके सब मिलकर 150 रुपए हो गए। 150 रुपए पाकर रजनी बहुत खुश हुई। अरे वाह माँ, हमें तो अच्छी कमाई हो गई। हाँ बेटी, लेकिन ये पैसे अभी कम है, घर का राशन, तुम्हारे बाबा की दवाइयाँ, इन सब के लिए अभी और पैसे कमाने होंगे। कुछ ही देर में और भी कई लोग उसके ठेले पर खमन ढोकला खाने आए, जिससे उन्हें खूब अच्छी कमाई हुई। शाम को वो सब खुशी खुशी घर लौट आए। बाबा देखो, माँ की आज अच्छी खासी कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अब मैं तो कुछ कमा नहीं सकता और मैं खाली तुम पर बोझ बनकर ही रह गया हूँ। ऐसा मत कहिए जी, रजनी ने हरीश को समझाया, लेकिन हरीश तो बस खुद को लाचार और बेबस ही मान रहा था। अब रजनी और बच्चे हर सुबह बाजार में खमन ढोकला बेचने निकल पड़ते। रजनी ढोकला बनाती तो अनूप सबको परोसता जाता। रजनी के खमन ढोकला सबको खूब पसंद आने लगे और उसके पास खूब ग्राहक आने लगे। अब एक हफ्ते में जितने पैसे रजनी ने कमा लिए उतने तो हरिया महीने भर में जाकर कमाता। अब उनके घर में खूब बरकत होने लगी। माँ देखो कितने सारे पैसे। हाँ बच्चों, भगवान की कृपा हम पर बरस रही है, अब तो बस यही उम्मीद है कि जल्दी से तुम्हारे बाबा भी ठीक हो जाए। कुछ दिनों में रजनी ने मुखिया का उधार भी ब्याज समेत चुकता कर दिया। जहाँ सारा दिन रजनी और बच्चे बाजार में खमन ढोकला बेचने में बिजी रहते, तो वहीं घर पर हरीश उदास पड़ा रहता। हे राम, ये तूने मुझे कितना लाचार बना दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये हाल होगा। इससे तो अच्छा होता तो मुझे उस एक्सीडेंट में मार ही देता, तो मैं कम से कम अपने परिवार पर बोझ तो नहीं बनता।
कहकर हरीश खूब रोता है। तभी उसके सामने प्रभु राम प्रकट होते हैं। अब तुम क्यों दुखी होते हो हरीश? तुम्हें ही तो पैसा चाहिए था। अब देखो तुम्हारा परिवार कितने सारे पैसे कमा रहा है। प्रभु भला मैं इन पैसों का क्या करूं? ना तो मैं इन पैसों से चल सकता हूँ, ना ही अपने परिवार की मदद कर सकता हूँ। ऐसे पैसों का भला क्या मोल प्रभु, जहाँ अपना स्वास्थ्य ही ना हो। अब तुम्हें जीवन का सही मोल समझ आ गया है हरीश। सही धन दौलत अपना शरीर है, ना कि धन। हमेशा याद रखना, जीवन में जो भी समस्या आए उसका डटकर मुकाबला करना। अपने जीवन को कभी व्यर्थ मत कहना। प्रभु मुझे सब समझ आ गया है जो आप मुझे समझाना चाहते थे। वत्स, मैं तुम्हें तुम्हारा पुराना जीवन लौटा रहा हूँ। इसे हंसी खुशी व्यतीत करना, ना कि असंतुष्ट रहकर। तथास्तु। इतना कहकर राम अंतर ध्यान हो गए और प्रभु राम के चमत्कार से समय उल्टी दिशा में घूम गया। हरीश पूरी तरह से ठीक हो गया। प्रभु के चमत्कार से उसके पैर लौट आए और वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका परिवार जब घर लौटा तो वो सब हरीश को ऐसे देखकर बहुत खुश थे। ये चमत्कार कैसे हुआ जी? हरीश ने उन्हें सारी बात बताई। अब हरीश पहले की तरह खेती बाड़ी कर सब्जी उगा कर बाजार में बेचने लगा। तो वहीं रजनी अपना खमन ढोकले का ठेला बाजार में लगा कर खूब आमदनी करने लगी। अब दोनों पति पत्नी की कमाई काफी अच्छी हो गई। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए डाल दिया। लेकिन अब कैसे भी हालात आए, हरीश अपनी जिंदगी से कभी निराश नहीं रहता, बल्कि हमेशा खुशी खुशी अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताता। मोहन पकौड़े का ठेला लगाता था। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, पर फिर भी उसके मन में लालच खत्म नहीं होता था। वो दूसरों की कमाई होती देख हमेशा जलता था और इसी फिराक में रहता था कि कोई भी बाजार में उसकी जगह ना ले। भैया जरा आलू प्याज के पकौड़े देना। मुझे मिक्स पकौड़े 2 प्लेट बना देना। भैया तुम तो पकौड़े ऐसे तोड़ रहे हो जैसे सोना बेच रहे हो, एक पकौड़ा भी तुमने फालतू नहीं डाला। अरे जितना वजन आएगा उतना ही तो तोलूंगा। मैं अपने घर वालों को भी मुफ्त में ना खिलाऊं तो आप तो ग्राहक हो। ये लो आपके पकौड़े 50 रुपए हो गए। मोहन के कंजूस स्वभाव से ग्राहक ही नहीं बल्कि मोहन की पत्नी भी बहुत परेशान थी। मोहन इतना कमाने के बावजूद भी अपनी पत्नी के लिए कभी कुछ नहीं खरीदता था। इसी बात को लेकर वो झगड़ा करती थी। तुम्हें पता है मेरी सारी सहेलियों के पास इतने सुंदर जेवर हैं, पर तुमने आज तक मुझे सोने का एक हार नहीं खरीद कर दिया। तुम अपने लिए इतना कुछ खरीद लेते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। सोने का हार लेने जाऊंगा तो पूरी दुकान बेचनी पड़ेगी, इतना महंगा है सोना। अभी आर्टिफिशियल पहन कर गुजारा कर लो, फिर जब कमाई होगी तो खरीद लेना। बस हो गई ना तुम्हारी कंजूसी शुरू। मुझे पता था तुम मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दोगे। मोहन की पत्नी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। मोहन ऐसे ही स्वभाव का था जिसे वो बदल नहीं सकता था। ना ही किसी के काम आना, ना ही किसी की मदद करना, हमेशा अपना फायदा देखना, ये सब मोहन के स्वभाव में शामिल थे। एक दिन मोहन के ठेले के सामने एक आलू पेटीज वाले ने ठेला लगा लिया। वो उस ठेले पर गरम गरम पेटीज बनाकर बेचता था। इस कारण अब मोहन के ग्राहक बन गए थे और मोहन को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मोहन को पता चला उस पेटीज वाले का नाम सुरेश है और वो कुछ दिन पहले ही गांव से आया है। मोहन सुरेश के पास जाता है और बहाने से उससे बात करता है। मेरा नाम मोहन है, मैं तुम्हारे सामने वाले ठेले पर पकौड़ा बेचता हूँ। मैंने सुना तुम गांव से आए हो, तुम्हें ये पेटीज बनाना किसने सिखाया? आज से 2 साल पहले मैं दिल्ली में एक बेकरी में नौकरी करता था, वहीं मैंने ये आलू पेटीज बनाना सीखा था। फिर बीच में 2 साल सबके काम बंद हो गए, इसलिए हम लोग भी गांव में ही थे। वापस आकर देखा तो वो बेकरी हमेशा के लिए बंद हो गई थी। मुझे पेटीज बनाना आता था इसलिए थोड़े बहुत पैसे लगाकर मैंने भी ठेला लगा लिया। अब परिवार भी मेरे साथ यहीं रहता है। मेरी पत्नी थोड़े बहुत घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है, दोनों मिल बांट कर खर्चा निकाल ही लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अगर चाहो तो हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। मैं कब से एक दुकान खोलने की सोच रहा था, पर अकेले इतनी महंगी दुकान खोलना और उसे चलाना बड़ा ही मुश्किल काम है।
मैं किसी पार्टनर की तलाश में था। क्या तुम मेरे साथ पार्टनरशिप में दुकान खोलना चाहोगे? हम दो काउंटर बना लेंगे, एक काउंटर पर पकौड़े और एक पर आलू पेटीज। बहुत बढ़िया कमाई होगी और मिल बांट कर काम करेंगे तो दोनों खूब अच्छा कर जाएंगे। मेरे पास 1.5 लाख रुपए जुड़े हुए हैं। 1.5 लाख रुपए का इंतजाम तुम कर लो। तुम्हारा विचार तो बहुत बढ़िया है, पर मैं एक बार सोच लूं। मैं तुम्हें कल तक इस बारे में बताता हूं। मोहन की बातों को सुनकर सुरेश के मन में दुकान खोलने की इच्छा जाग जाती है। वो कब से एक दुकान खोलना चाह रहा था, पर उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। सुरेश मोहन की बातों में आ जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, दुकान खुलेगी तो मुनाफा भी ज्यादा होगा। तुम्हें तो पता है शारदा, मेरे पास तो मुश्किल से थोड़े बहुत ही पैसे जुड़े हैं, वो तो कम रहेंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करते, गांव में जो हमारी जमीन का टुकड़ा है उसे बेचकर तो कुछ पैसों का इंतजाम हो जाएगा, और साथ में मेरी सोने की बालियां और 2 चूड़ियां भी हैं, तुम इन्हें गिरवी रखकर पैसे ले सकते हो। सुरेश अपनी पत्नी शारदा के कहने पर गांव की जमीन बेच देता है और शारदा के कुछ सोने के गहने भी गिरवी रख देता है। सूरज के पास जो भी पैसे जुड़ गए थे वो इन पैसों को मोहन को दे देता है। सुरेश बहुत सीधा साधा था, वो मोहन को पैसे देते समय कोई भी कानूनी कागज नहीं बनवाता, वो तो बस मोहन के विश्वास पर मोहन को रुपए दे देता है। सुरेश की सारी जमा पूंजी उस दुकान को खरीदने में लग जाती है। ये देखो सुरेश, अब हम दोनों इस बड़ी दुकान के मालिक हैं। तुम एक काम करो, जब तक इस दुकान की मरम्मत करने में और काउंटर बनवाने में समय लगता है, इतने दिन का तुम नुकसान थोड़ी करोगे। तुम एक काम करो, तब तक तुम उस ठेले पर ही अपना काम करो। जैसे ही दुकान तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। मोहन भैया, आप मेरे बारे में कितना सोचते हो? ठीक है, फिर मैं अपने ठेले पर वापस जाता हूँ। सुरेश मोहन के कहने पर वापस पेटीज के ठेले पर काम करने लगता है। काफी दिन बीत जाते हैं पर मोहन सुरेश को कोई खबर नहीं देता। सुरेश देखता है कि मोहन का पकौड़े का ठेला भी बंद पड़ा है। वो उस दुकान पर जाता है और देखकर हैरान रह जाता है कि मोहन ने तो एक बहुत ही बड़ी और बढ़िया पकौड़े की दुकान बना ली है और वो वहाँ पर बैठा खूब बिक्री कर रहा है। सुरेश मोहन के पास जाता है और गुस्से में बोलता है, मोहन भैया, आपने दुकान बना ली और उस पर बैठना भी शुरू कर दिया, आपने मुझे बताया नहीं, पर 2 काउंटर की जगह एक ही काउंटर क्यों बनाया है? मेरा काउंटर कहाँ है? ये दुकान तो हम दोनों की है ना, हम दोनों ने आधे आधे पैसे मिलाकर इस दुकान को खरीदा था। कान से पैसे, किसके पैसे, ये दुकान मेरी है। तेरे पास कोई सबूत है कि ये दुकान तेरी है? चला आया अपनी दुकान कहने, चला गया से, तेरे चक्कर में मेरे ग्राहक वापस लौट जाएंगे। सुरेश की गलती ये थी कि उसने पैसे देते वक्त विश्वास किया। सुरेश कुछ नहीं कर सकता था, उसके हाथ से सब कुछ छिन गया था। उसका मन बहुत खराब था, वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। वो वहाँ से ऊंची पहाड़ी की ओर जाने लगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं शारदा और बच्चों के लिए कैसे कमाऊंगा, सब कुछ छिन गया। सुरेश चलते चलते एक पहाड़ी पर पहुँच जाता है और वहाँ से कूदकर जान देने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने एक देवता प्रकट होते हैं। रुको, ऐसा मत करो, अपने आप को समाप्त करना कायरता है, हमें मुश्किलों से लड़ना चाहिए, डर कर भागना नहीं चाहिए। आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं पर्वतराज हूँ, मुझे पता है तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम बहुत दयालु हो, तुम दूसरों की सदैव मदद करते हो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो उसे उसके बुरे कर्मों की सजा अपने आप मिल जाएगी। मेरी इस गुफा में एक बहुत बड़ा खजाना है, तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो और फिर से अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हो। ये खजाना हर किसी के लिए नहीं है, जो मनुष्य अच्छे होते हैं ये खजाना उन्हीं को प्राप्त होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पर्वतराज, आपने मुझे नया जीवन प्रदान किया है, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। सुरेश उस पर्वत की गुफा में से अपनी जरूरत के अनुसार खजाना उठा लेता है। उस धनराशि से सुरेश अपनी पत्नी के गिरवी पड़े गहने छुड़वा लेता है। अब सुरेश के पास सब कुछ था, वो एक बड़ी सी बेकरी खोलता है। सुरेश आज भी गरीबों की हमेशा की तरह मदद करता था और खूब मेहनत करता था।
उधर मोहन ने सुरेश के साथ गलत किया था, इसलिए उसे बेईमानी करने की सजा मिलती है। उसका सारा काम ठप हो जाता है और उसकी दुकान भी बिक जाती है और मोहन फिर से अपने ठेले पर वापस आ जाता है।